सच में होता है ये ब्लैक मैजिक? देखो मैं बिल्कुल होता हूँ, मैं ये नहीं कहता ब्लैक मैजिक नहीं होता। आपने कभी इल्यूमिनाटी का नाम सुना है? ऐसा नहीं है कि नहीं होता, भूत प्रेत है। आपको मैं बता दूं, जैसे हम जन्म लेते हैं वैसे ही ये भ्रम राक्षस जिन प्रेत ये जन्म लेते हैं। जैसा आपने बताया उसमें लिखा होता लक जैसी कोई चीज नहीं होती। आप देखो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे हाथ में कोई स्टोन दिख रहा है सिर्फ एक स्टोन के अलावा? कौन सा स्टोन है? जिसपे शनि होता है उसके तो खैर लंका ही लग जाती है। ऐसा बट वो बहुत लोगों के लिए अच्छा भी काम करता है। वो कैसे? कुंडली के योग किस तरह से कौन से ग्रह को कहाँ पहुँचा कर हम अपनी कुंडली को अच्छा कर सकते हैं, ये भी लाल किताब करते हैं। जिसकी कुंडली में बुध और राहु 12वें घर में होते हैं ऐसा इंसान शेख चिल्ली की औलाद होता है। किसी तरह का भी कोई ब्लैक मैजिक जादू टोना टोटका कुछ भी हो आपके ऊपर असर नहीं करेगा। एस्ट्रोलॉजी, भूत प्रेत ब्लैक मैजिक जिन, अगर इन टॉपिक्स में आपका इंटरेस्ट है तो ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और उतने इंटरेस्टिंग आज के हमारे गेस्ट भी है एस्ट्रो हेमंत जी, जिन्होंने लाल किताब पिछले 15 साल से स्टडी कर रहे हैं और इसी लाल किताब से उन्होंने हजारों लोगों को रेमेडी दी है जो सक्सेसफुली कामयाब भी हुई है। लाल किताब क्या है, कैसे काम करती है, इसकी रेमेडी क्यों दूसरी चीज़ों से अलग है, अफोर्डेबल क्यों है, क्यों इतनी कारगर है, ये आपको इस पॉडकास्ट में पता लगेगा। साथ ही साथ भूत प्रेत जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है वो कैसे उन पर ब्लैक मैजिक किया जाता है टोना टोटका, खुद हमारे गेस्ट एस्ट्रो हेमंत जी ने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में जो उन्होंने हमको इस पॉडकास्ट में बताया। तो आई होप आपको आज का ये पॉडकास्ट हमारा पसंद आएगा। सो बने रहिए हमारे साथ इस पॉडकास्ट में। स्वागत है सर आपका पॉडकास्ट कुणाल शो में, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और बाबा की कृपा से हर तरह से मौज है। बढ़िया। तो सर सबसे पहले आप बताइए कि लाल किताब, जिसको नहीं पता है बेसिकली लाल किताब है क्या, मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा और कोशिश कीजिएगा आप उसको तीन पार्ट में तरीके से समझाने की। लाल किताब क्या है, ये कैसे काम करती है, और दूसरे जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं जैसे न्यूमरोलॉजी होती है टैरो, ये उनसे कैसे अलग है? सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी कोई अलग नहीं होती, बस बताने का तरीका अलग होता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि लाल किताब है क्या। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाल किताब जो है, एक शॉर्ट लाइन में कहते हैं क्या, कहते हैं कि लाल किताब है ज्योतिष निराली, जो सोई किस्मत जगा देती है, फरमान पक्का देख करके आखिरी जो दो लफ्जी जहमद हटा देती है। अब आप कहेंगे यार समझ में नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि लाल किताब अपने आप में एक ज्योतिष पद्धति है जो कि मदर पद्धति पराशरी, जो कि सबकी मदर पद्धति है, उसी में से निकला हुआ एक वर्जन है, एडवांस वर्जन है, जिसका जन्म, जो इसको लिखा गया सन 1939 में पंडित रूपचंद जी जोशी द्वारा इसको लिखा गया, और इसको चार भाषाओं में लिखा गया, हिंदी, पंजाबी, उर्दू और फारसी के शब्द मिलाकर कविताओं के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया। इसका पहला एडिशन सन 39 में आया, दूसरा 40 में आया, तीसरा 41 में आया, चौथा 42 में आया, और पांचवा जिसे हम ग्रंथ बोलते हैं वो 1952 में आया, जो लाल किताब का ग्रंथ, जी ओके, से हम नाम दिया ग्रंथ, ठीक है, पांचवा एडिशन बेसिकली उसको ग्रंथ दिया गया। इसका खंड एक और खंड दो आया, जो कि पूरा का पूरा कविताओं के बेस पे है, और कविताओं पे बेस पर होने की वजह से लाल किताब बहुत जल्दी से समझ आना लोगों को मुश्किल हो गया था, क्योंकि किसी को उर्दू नहीं आती थी। पुराने जमाने में तो लोगों को उर्दू भी आती थी, पर नए जमाने में लोगों को उर्दू भी नहीं आती थी, तो उसको प्रिडिक्टिव रूप में, इसको कुछ गुरुओं ने इसका प्रिडिक्टिव रूप निकाला, जिसमें मेरे गुरु निर्मल जीत जी मन्नत भी थे, और उनके साथ मिलके हमने इस मुहिम को शुरू किया, और बहुत सारे लाल किताब एस्ट्रोलॉजर आज के टाइम मार्केट में है। तो ये तो है लाल किताब, ठीक है जी। और ये अलग कैसे है, कहते हैं कि सबसे पहले लाल किताब जो है ना आपको संस्कारों पे चलना सिखाती है, जो हमारे पुराने जमाने में, अब एग्जाम्पल के रूप
मैं बात करूं, सबसे पहले लाल किताब जो काम करती है आपकी रिश्तेदारी। अब आप कहेंगे रिश्तेदारी कैसे? आपको अपना जमाना याद होगा जब बचपन में आप अपनी मासी के घर जाया करते थे। हाँ। कोई भी त्योहार होता था तो सारा परिवार इकट्ठा होता था, सब घुल मिल के रहते थे। हाँ कि ना? बिल्कुल। क्या आज वैसा है? बहुत कम, मतलब उस टाइम पर लोगों के ग्रह भी बहुत अच्छे रहते थे। आज तो सब कुछ इस राहु ने ले लिया। फोन मतलब राहु। पहले चिट्ठियां आया जाया करती थी, किसी घर में झगड़े होते थे तो क्या होता था, चिट्ठी के माध्यम से भेजा जाता था। 15 दिन में चिट्ठी पहुंचती थी, 15 दिन में उसका जवाब आता था, इतने तक तो झगड़ा ही खत्म हो जाता था। पर आज कहीं पर भी झगड़ा होता है तो क्या होता है, सबसे पहले फोन। 5 मिनट वाला जो 1 महीने में ठंडा होना था वो 2 मिनट में और ज्यादा भड़क जाता है। तो क्या राहु, जैसा आपने बताया कि फोन का एक पार्ट हो सकता है, बट कहीं ना कहीं फोन हमारी बहुत हेल्प भी तो करता है सर। बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता। तो इस चीज को मैं ये कहता भी तो हूं, कलयुग में राहु का तो राज है। आप ये बताओ जो हम कर रहे हैं ये क्या है? ये भी राहु। इंटरनेट का जितना माध्यम है वो राहु है। तो कलयुग में राहु का राज हो चुका है, इसलिए राहु प्रबल हो गया है। तो राहु भी हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हमें इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। डेफिनेटली हमारे ऊपर डिपेंड होता है, डेफिनेटली हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हमें इसे कैसे यूज करना है, इसका कितना यूज लेना है, किस तरह से सब चीजों से बच के हमें अपने पुराने संस्कारों को भी जिंदा रखना है। ओके। घर की स्थिति को कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि टेंशन बहुत है आज के टाइम पर, प्रेशर बहुत है। बिल्कुल। अब यहाँ पर भी मैं एक बात करूंगा। बिल्कुल। घर की स्थिति खराब क्यों है? आप ये देखिए, मोबाइल राहु जैसे मैंने आपको बताया, सिराने पर रख के सोते हो, सभी उठते सबसे पहले मोबाइल चेक होता है, ना राम राम ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे कितने व्हाट्सएप। तो सबसे पहले सिराने पे रखा राहु हमने अपनी, 12वें घर में तो राहु को पहुंचा दिया, एक्सपेक्टेशन हाई हो गई। ठीक है, घर की टंकी को छत पर पहुंचा दिया, खड़ा पानी भी राहु है। अच्छा। ठीक है, तो हम इनके छोटे छोटे उपायों द्वारा कि कैसे इस जनरेशन में भी राहु को भी कायम करते हुए और साथ में पुराने संस्कारों को जिंदा रखते हुए हम घर की स्थिति को अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था रिश्तेदारी की। ठीक है, अब लाल किताब जो है हर एक ग्रह को रिश्तेदारी से जोड़ता है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जुपिटर जो है गुरु, वो आपका रिप्रेजेंट करता है दादा, परदादा, पिता और लड़की के लिए ससुराल। ओके, ये लड़के के लिए था और वो लड़की के लिए। जो जुपिटर है लड़के के लिए, लड़की के लिए ससुराल। ओके, लड़की के लिए, मतलब जो लड़की की कुंडली है उसके लिए ससुराल जो है वो जुपिटर है। ठीक है, ठीक है। अब आप देखेंगे बहुत सारी जगह पे जिस लड़की की कुंडली में जुपिटर खराब होता है उस लड़की की ससुराल में बिल्कुल नहीं बन रही होती। या लड़की को मान सम्मान नहीं मिल रहा होता, क्योंकि जुपिटर जो है मान सम्मान का कारक भी है। अब करियर में तरक्की चाहिए। अब आर्थिक तंगी की आपने बात करी तो उसमें क्या है, करियर में भी तो तरक्की चाहिए ना। करियर में तरक्की होगी तो आर्थिक स्थिति खत्म होगी। बिल्कुल। तो उस आर्थिक स्थिति को खत्म अच्छा करने के लिए आपको सबसे पहले अपने जुपिटर को देखना पड़ेगा। पर जुपिटर से भी पहले क्या, बुध मतलब आपकी बुद्धि कैसे है। अगर आपकी बुद्धि खराब है तो क्या आप अपने कैरियर में सक्सेस हो जाएंगे? नहीं। अब आप देखना आजकल की जनरेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां है, लोग मल्टीपल टास्किंग है, ओवरथिंकर बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन हाई है। एक्सपेक्टेशन हाई करता है राहु। एक्सपेक्टेशन जो आपकी हाई करेगा वो करेगा राहु। ठीक है, ठीक है। और बुध
आपको घुमाएगा, यहां से भी पैसा आ जाए, वहां से भी पैसा आ जाए, ऐसे भी पैसा आ जाए, वैसे भी आ जाए। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बता दूं, जिसकी कुंडली में बुध और राहु 12वें घर में होते हैं, ऐसा इंसान शेख चिल्ली की औलाद होता है। शेख चिल्ली समझते हैं, मतलब जो फालतू में बातें हाँकता हूं, शेख चिल्ली का मतलब होता है जेब में कुछ नहीं है, बातें करोड़ों की है, ठीक है, हम ये कर देंगे, हम ट्रेन बुला देंगे, हम एरोप्लेन कर देंगे, और बात में क्या निकलता है, जिसको बोलते हैं थोथा चना बाजे घना, ठीक है। तो ये बुध राहु की खास निशानी है। अब यही बुध राहु अगर आपके अच्छे घर में बैठ जाए, घर को मतलब कैसे, जैसे कि ये जो घर को कैसे करते हैं, बिल्कुल, अब घर कैसे डिपेंड करते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूं, पहले मैं आपको बुध राहु का बता दूं, फिर घर बता दूं। कहते हैं कि बुध राहु आपके थर्ड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, सबसे अच्छा घर है इसका सिक्स्थ हाउस। ओके, सिक्स्थ हाउस जो है बुध और राहु का सबसे अच्छा घर है, तो इंसान को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाते हैं, तरक्की मिलती है। बुध राहु आपके टेंथ हाउस में बैठ जाए, ऐसा इंसान पॉलिटिशियन बहुत अच्छा हो सकता है, ऐसा इंसान आईटी टेक्निकल में बहुत अच्छा जा सकता है, ठीक है। चंद्र जिसके एट्थ हाउस में बैठ जाए, ऐसा इंसान दो नंबर की कमाई बहुत कर सकता है, ठीक है। अब आप कहते हैं हाउस क्या होते हैं, अब हाउस क्या होता है, एक कुंडली को जब हम खोलते हैं, उस कुंडली में आप देखते होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन्थ टेंथ ट्वेल्थ हाउसेज है, ओके, ठीक है, घर है वो, घर है, उसको हम घर बोलते हैं, खाना भी बोलते हैं, लाल किताब में वर्ड ये लगे तो उसको हम खाना भी बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस जिससे हम अपना आपा देखते हैं कि हम किस तरह से रहने वाले हैं पूरी जिंदगी में, हमारा क्या, हम पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले हैं या नहीं है, ठीक है, और हम पूरी जिंदगी में अपना बनाया मकान, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी शोहरत हम हाउस नंबर एक से देखते हैं, ओके, ठीक है। अब हाउस नंबर दो से क्या देखते हैं, हाउस नंबर से दो से हम देखते हैं जमा धन, मतलब आपके पास कितना पैसा जमा होगा, ससुराल के हालात, यस, ओके, ससुराल के हालात कैसे होंगे, ये हम हाउस नंबर दो से देखते हैं। तीन से हम देखते हैं पड़ोसियों का हाल, कि हमारे पड़ोसी किस तरह के होंगे, हमारा भाईचारा कैसा होगा, हमारी दोस्ती कैसी होगी, और हमारा पराक्रम कैसा होगा, ओके, ठीक है। इसी तरह से बात करते हैं फोर्थ हाउस पे, फोर्थ हाउस से हम क्या देखते हैं, फोर्थ हाउस से देखते हैं हमारी माँ और हमारे माँ का खानदान कैसा है, कैसा है, मतलब हमारा नान, हमारी मासी, नान का नहीं, माँ का खानदान, नान का अलग आए, अच्छा, ठीक है। और पांच से हम क्या देखते हैं, इश्कबाजी, जो आजकल की जनरेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है, इश्कबाजी कैसी होगी, बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी, हमारी औलाद कैसी होगी, क्या हमें प्यार मिलेगा कि धोखा मिलेगा, वो हमें फिफ्थ हाउस से पता लगता है, ठीक है जी। सिक्स हाउस से हम देखते हैं रोग रोन शत्रु और नान का परिवार, ओके, हॉस्पिटल जाने के योग, हमें सिक्स हाउस से पता लगता है, और रिश्तेदारों से मिली खुफिया मदद, खुफिया मदद भी हम सिक्स हाउस से देखते हैं। कई बार होता है ना कि इंसान को कोई ना कोई आकर के कुछ ना कुछ मदद कर देता है, दे जाता है, ये भी नहीं पता लगता करके कौन गया, हाँ। उसे बोलते हैं खुफिया मदद, ठीक है। इसी तरह से कुंडली में होता है सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस से हम देखते हैं ग्रस्थ, और जो आजकल की दुनिया की बिजनेसमैन की जरूरत है वो क्या जरूरत है, साझेदारी, पार्टनरशिप, वो भी सेवंथ हाउस आपका बताता है कि आपकी साझेदारी कैसी होगी। एट्थ हाउस जिसको बोलते हैं मौत का खाना, मौत किस तरह से, किस वजह से, किस समय पे होगी, लाल किताब ये भी बता देती है कि कब होगी, कैसे हो सकती है, यस, और ये प्रिडिक्शन जो लाल किताब प्रिडिक्शन बेस्ड हो, कैलकुलेट, ये कितने परसेंटेज तक सही चले जाती है। देखो 100% मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, ठीक है, और 99% से कम बोलूंगा नहीं क्योंकि ये लाल किताब एक्यूरेसी के लिए ही फेमस है, उसकी एक्यूरेसी और उसकी उपाय 100% रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं,
पर 1% मैं क्यों बोलता हूँ, 1% उस परमात्मा के हाथ में भी है। बिल्कुल, भगवान क्योंकि कोई भी नहीं है, क्योंकि दो ही चीजें भगवान ने अपने पास रखी, एक जन्म एक मरण। बिल्कुल, एक जन्म एक मरण, इसको छोड़ करके सब कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है। और आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहूंगा, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, साइंस, वो भी ऐसी साइंस जिसको मैं संभावनाओं का खेल नहीं कहता, या तो होगा या नहीं होगा, हो सकता है नहीं हो सकता, हो सकता है नहीं है, जब ये साइंस है तो ये प्रॉपर काम करती है। और ये पूरी एस्ट्रोलॉजी हमारी ग्रहों के आसपास उसी पे ही डिपेंडिंग होती है। देखो साइंस भी इस चीज को मानता है, प्लेनेट होते हैं। हाँ, बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी भी इसी बेस पे बेस्ड है सारी की, प्लेनेट है। ठीक है, वेदों के टाइम से एस्ट्रोलॉजी लिखी आ रही है। ठीक है, उसके देखो कब से एस्ट्रोलॉजी है, बस जितने नए गुरु आते जा रहे हैं उसका एक नया वर्जन, क्योंकि जैसे जैसे समय बदल रहा है, एक टाइम था कि आप लोग रथ गाड़ी में जाते थे, आज किस में हूं, गाड़ी में हूं। एक टाइम 11 नंबर की बस से भी जाते थे। बिल्कुल, एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचने में 4-4, 5-5 दिन लग जाते थे, आज आप कितनी देर में पहुंच जाते हैं, घंटे भर में। और अब विदेशों में कितनी देर में पहुंच जाते हैं, 2-3 घंटे मैक्सिमम, अच्छी से अच्छी जगह जाओ, अच्छे से अच्छी जगह पर। तो ये सब क्या है, जैसे जैसे ये सारी चीजें फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, वैसे वैसे उपाय के भी न्यू वर्जन आ रहे हैं, नए नए वर्जन आ रहे हैं, तो उसका हल भी उन्हीं ग्रहों के साथ अटैच करके किया जाता है। ओके, और आप दूसरा एक घर बता रहे थे सर, नोवा घर होता है ब्रह्म स्थान, मतलब हमारे घर का सेंटर ऑफ द हाउस, बुजुर्गों से मिली जद्दी जायदाद। ओके, और बुजुर्गों की जद्दी जायदाद मतलब जद्दी जायदाद होता है कि उनके पुश्तों से जो जमीन जायदाद होती है उसको जद्दी जायदाद बोलते हैं। और कई बार जिस मकान में हम 3 साल से ऊपर भी रह जाते हैं, चाहे वो किराए का ही क्यों ना हो, ओके, वो भी जद्दी जमीन में आ जाता है। 10वां घर पिता का हाल, कि हमारे पिता कैसे होंगे, पिता ने क्या किया होगा, और कहते हैं हमारा कर्म स्थान 10वां घर। और इसी तरह से है 11वां घर हमारा आमदन, हमारी औलाद की बनाई गई प्रॉपर्टी, औलाद की उम्र, हम हाउस नंबर 11 से देखते हैं। और इसी तरह से बोला गया है 12वां घर, जिसे बोलते हैं आराम का घर, रेस्ट। ठीक है, 12वें घर में जो भी ग्रह होते हैं बहुत जल्दी बुरा असर नहीं देते हैं, ये मतलब उनके लिए शायद कुछ आलसी टाइप के लोग, आलसी टाइप के, देखो ग्रहों पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं सूर्य का, अगर सूर्य आपके 12वें घर में है तो ऐसा इंसान जो होता है ना, मस्त राम मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में। ठीक है, उसको कोई काम बोल दो, मैं 10 मिनट में करता हूँ, मैं 15 मिनट में करता हूँ। और आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी बोलूंगा ना, और जो भी इस चैनल इस वीडियो को देख रहा होगा, मैं 100% कह सकता हूँ वो सभी चीजों को रिलेट करेगा। ठीक है, तो ऐसा इंसान जो होता है ना, आलसी स्वभाव का होता है। ठीक है, कोई काम बोल दो 10 मिनट में करता हूँ, 15 मिनट में करता हूँ, जल्दी नहीं है। ठीक है, और सबसे अच्छी चीज क्या है लाल किताब में ना, सूत्र, निशानियां, कुछ भी पूछ लो आप, मैं उसका सूत्र आपको बता सकता हूँ। कौन से ग्रह का पूछोगे, अगर किसी एक ग्रह खराब है या वो नहीं चाहता, वो चाहता अपने आप को सुधारना, तो उसके लिए वो क्या प्रयास कर सकता है, सिर्फ मेहनत ही काम आएगी या उसको किसी और रेमेडी पे भी काम करना पड़ेगा। देखो दो तरीके होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि कोई इंसान चाहता है कि यार मैं ना कोई उपाय भी नहीं करना चाहता, ठीक है, और वो चाहता है कि भाई मैं जो है ना ठीक भी हो जाऊं। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो पहला ऑप्शन है, सबसे पहले अपने रिश्तेदारी पे काम करो। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि जुपिटर दादा परदादा पिता, और लड़की के लिए उसका ससुराल, चाहे बनती है या नहीं बनती है, अपनी रिश्तेदारी से बनाना शुरू कर दे उस जगह की, मतलब जुपिटर को अच्छा करना है। बुध को अच्छा करना है तो बहन बुआ बेटी मासी साली, ओके, बहन बुआ बेटी मासी साली, और व्यापार का कारक भी बुध है, और उसमें क्या अच्छा कर, उसमें भी ये इनको उनकी सेवा करे, बहन बुआ बेटी साली की, मतलब उनका आदर करे, सम्मान आदर करे। ठीक है,
अब एक चीज बताओ, इंसान मान सम्मान चाह रहा है, पिता की इज्जत नहीं करता, कहां से उसको करियर में तरक्की मिलेगी या कहां से उसको मान सम्मान मिलेगा? आप समझ रहे हैं मेरे बात को? कि जुपिटर को, और कहते कि चंद्र, अब चंद्र को ले लेते हैं, चंद्र रिप्रेजेंट करता है नानी दादी मां मासी, ओके ठीक है। अब मां जैसी मासी, मां जो अपनी मां है, आज के टाइम पे शादी होने के बाद बीवी के कहने पर मां के साथ लड़ाई और मां के कहने पर के साथ बीवी पे लड़ाई, ये दो ग्रहों को खराब करता है। मां के कहने पर बीवी से कड़ी तो शुक्र खराब, समझ रहे, और बीवी के कहने से मां से लड़ाई करी तो चंद्र खराब। चंद्र किस किस चीज का कारक है? चंद्र कारक है आपके मन का, नगद धन का, जो सबको जरूरत है आज के टाइम, ठीक है, बिल्कुल, मन का, नगद धन का और मां का। तो मां के साथ जब बिगाड़ लोगे ना, तो भाई साहब ना तो मन में शांति आती है और ना ही तरक्की कर पाएंगे, ना ही धन आता है, समझ गए। इसी तरह से हमारा अगला ग्रह है शुक्र। शुक्र किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारी भाभी शुक्र है, ओके, हमारी गर्लफ्रेंड भी शुक्र है, हमारी गर्लफ्रेंड भी शुक्र है। और ये लड़कियों के लिए भी होता है कि जैसे हम उनके लिए शुक्र हो सकते हैं, देवर हैं तो, यस yes। और किसी के पति है या बॉयफ्रेंड है तो वो शुक्र में ही है, शुक्र में ही है, ठीक है। मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ शुक्र, वाइफ के लिए हस्बैंड शुक्र, घर में रखी जवान नौकरानी ये भी शुक्र है, समझ रहे। विधवा औरत बुध को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, 9 साल से छोटी कन्या बुध को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसी तरह से बात करते हैं शनि की, हमारे चाचा शनि है। और ताऊ मंगल है, ताऊ मंगल है और चाचा शनि है। शनि ये बताते हैं सर कि मतलब जिसपे शनि होता है उसके तो खैर लंका ही लग जाती है, ऐसा बट नहीं, वो बहुत लोगों के लिए अच्छा भी काम करता है, वो कैसे? ऐसा नहीं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। शनि जो है इंसाफ के देवता है, ओके ठीक है। अब मैं एक लाइन बोलता हूं, इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद कर्म पे अपने, अकला झगड़ा अकल ना किस्मत का हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंसान बंधा खुद लेख से अपने, इंसान अपने कर्मों से बंधा है, जैसे हम कर्म करते चलते हैं, ठीक है। कलम विधाता लेख से हो, मतलब वैसी परमात्मा कलम लिखता जाता है, जैसे हमारे कर्म होते हैं जी। कलम चले खुद कर्म पे अपने, तो जैसे हम कर्म कर रहे हैं वैसे कलम चलती जा रही है। झगड़ा अकल ना किस्मत का हो, मतलब कहने का मतलब हुआ ना तो इसमें कोई अकल का झगड़ा है ना किस्मत का झगड़ा है। इस बात पे मैं कहता हूँ, कल भी मैं एक बात कर रहा था, किन्हीं से बात हो रही थी मेरी, तो कह रहे जी देखो ये तो लक के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, लक भी हम खुद बनाते हैं, पर जैसे कर्म करते जाते हैं वैसा हमें रिजल्ट आता जाता है। इस लाइन का मेन सार ये बनता है कि अपने कर्म अच्छे रखो, आपको रिजल्ट वैसा मिलता जाएगा। और लाल किताब एक आपको ऐसा मार्गदर्शन करती है कि आप इस तरह से काम करते जाएं, ऐसे काम करते जाएं, इन ग्रहों को ये वस्तुएं इस तरह से प्रोवाइड करते जाएं, आपके ग्रह भी ठीक होंगे, रिश्तेदारी को अच्छा करते जाएं, और इधर से काम करते जाएं। मैं आपको शॉर्टी दे सकता हूं, गरीब से गरीब इंसान भी अमीर बन सकता है, अपने कर्मों को संवार सकता है। मैं कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा अभी, जैसा आपने बताया उसमें लिखा हुआ था लक जैसी कोई चीज नहीं होती। तो मैंने क्या बोला? वही मैं आपको बता रहा हूँ, उन्हें कहा आप अपने कर्म करो, वो कर्म ही आपके सामने आते हैं जिसको आप लक काउंट करते हो, कि आपका जो काम नहीं बन रहा था वो बन गया, वो लक नहीं था, वो आपके कर्म थे। यस, तो यहीं पर लाल किताब आपको मार्गदर्शन देती है। अब आपकी कुंडली में योग तो है डॉक्टर बनने की, और आप कर रहे हो आर्टिस्ट के लिए तैयारी, आपके जॉब है गवर्नमेंट जॉब के, पर आप उसमें जाना नहीं चाहते हो,
और अगर किसी का मन ना हो सर तो? अब मैं वही तो कह रहा हूं, मन मन तो चंचल है ना, चंद्र का कारक है ना, तो यहीं पर तो एस्ट्रोलॉजी आपको मार्गदर्शन करती है ना। उसका लॉजिक क्या है? लॉजिक तो यही है ना कि आपको मार्गदर्शन मिले। एस्ट्रोलॉजी में आप बेवजह के सवाल पूछे कि मेरे कितने रिलेशन होंगे, क्या तथ्य बनता है उसका? कुछ भी नहीं, ठीक है। ये मेरे पास वापिस आएगी कि नहीं आएगी, कोई उसका लॉजिक बता दीजिए। और ये तो बहुत लोग करते हैं और लोग आंसर भी कर रहे हैं। मैं आपको वही बता रहा हूं ना, उसके मन में करंट फीलिंग क्या है मेरे लिए। अब मैं आपसे एक ही चीज जानना चाहूंगा, आप खाना खा रहे हो तो उस टाइम आप खाना खाओगे या किसी के लिए करंट फीलिंग होगी? खाना खाएगा इंसान। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ, आप पोटी कर रहे हो सुबह सुबह और कॉल आपके पास आ जाए, जी बताओ उसके मन में करंट फीलिंग क्या है। वो तो बेचारा पोटी कर रहा है, वो पोटी में तुम्हारे लिए क्या करंट फीलिंग रखेगा? बिल्कुल, ठीक है। रात को 11 बजे कॉल आ जाए, इंसान सो रहा है, तो सोएगा कि आपके लिए फीलिंग बताएगा? तो ये क्या है, ये सब है ओवर थिंकिंग, डिप्रेस्ड, ठीक है। जितना राहु अच्छा कर रहा है उतना लोगों के साथ थोड़ा डिप्रेशन का प्रॉब्लम भी बढ़ता जा रहा है। आज आप उठा के देख लो जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं उनके ऊपर कितनी भीड़ है, बहुत ज्यादा है। क्यों है? लोग डिप्रेशन की तरफ इतना बढ़ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने अपने बुध और राहु को यूज मतलब कंट्रोल नहीं किया। अब हमें काम जिस चीज का बनता है उस काम के अंदर जाए, हमें शादी कब करनी चाहिए, हमें बच्चा कब कंसीव कराना चाहिए कि हमारा भाग्य अच्छा हो और हम अपनी लाइफ में सक्सेस होते जाएं, ठीक है। तो इस तरह से आपके घर की आर्थिक प्रॉब्लम भी खत्म होगी, आपको मार्गदर्शन मिलता जा रहा है, आपके रास्ते क्लियर होते जा रहे हैं। जब आपके रास्ते क्लियर हो रहे हैं, आपको पता है कि मुझे इस तरह से चलूंगा तो मैं इस जीवन को बढ़िया से पार कर जाऊंगा, क्योंकि 84 का चक्कर है, काटना तो पड़ेगा। बिल्कुल, काटना तो पड़ेगा, पर उसके अंदर से सेफ सेफ कैसे निकल के जाना है और इस इंसान योनि में नहीं जाना तो कब जाना? तो वो वहां पर हमें लाल किताब गाइड करती है, सभी एस्ट्रोलॉजी गाइड करती है। बट कहीं पर अब जैसे आपने एक बात बोली थी कि भाई मुझे नहीं पता क्या करना है, ठीक है, मुझे यही नहीं पता क्या करना है, आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, मुझे रिश्तेदारी से नहीं बनानी है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ये बताओ मैं कैसे ठीक होऊंगा, तो वहां पर ग्रहों की आशियां ग्रहों को देकर, ओके, ग्रहों की आशियां मतलब ग्रहों की वस्तुएं, ग्रहों को देकर के हम अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। तो जो लाल किताब की सर जो रेमेडीज होती है, ये क्या महंगी है, जैसे नॉर्मल लोग भी कोई कर सकता है, या फिर इसको सिर्फ करने के लिए हमें सिर्फ घर की चीजें भी लग सकती है, कैसे मतलब? देखो मैं आपको वही बताना चाहूंगा कि लाल किताब की जो रेमेडीज है ना वो महंगी नहीं है, बहुत आसानी से की जा सकती हैं। मैक्सिमम रेमेडीज लाल किताब की होमली रेमेडीज होती है, घर से भी की जा सकती है और छोटी छोटी चीजों से आप अपने जीवन में बहुत बदलाव ला सकते हैं। मतलब कोई भी रेमेडी इजिली कोई भी रेमेडीज इजिली कर सकता है। बहुत सारे लोगों की शिकायत है जी हमारे यहाँ चलता पानी नहीं है, क्योंकि लाल किताब में जो है मैक्सिमम रेमेडीज जो है चलते पानी की है, ओके, बहते पानी की है। तो जहां पर बहते पानी की प्रॉब्लम है तो उन लोगों के लिए बता देता हूँ, जो बहता पानी है हमारी कुंडली में फोर्थ हाउस है और फोर्थ हाउस माँ की गोद भी कहा गया है। ओके, कहते हैं माँ की गोद में जाके सभी ग्रह शांत होते हैं, क्योंकि हम भी अपनी माँ की गोद में शांत होते हैं। तो उसी तरह से हर ग्रह माँ की गोद में शांत होता है, तो इसलिए चुराया भी माँ की गोद है। तो वो उपाय जो यहाँ पर पानी नहीं है, अगर पानी है तो सबसे बढ़िया, पर पानी नहीं है तो चुराहे पर इस चीज का उपाय हम करा सकते हैं। ओके, और खासकर ये अर्बन सिटीज की प्रॉब्लम है जहां पर बहता पानी, डेफिनेटली जहां पर भी प्रॉब्लम है वहां पर इस उपाय को हम करा सकते हैं। ओके, तो सर आप जैसे रेमेडीज के बारे में बता रहे थे, कुछ ऐसी रेमेडीज बताइए जिससे जिनकी जो टेंशन है या ग्रो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, या किसी भी तरीके से जो हमारे समाज में है, वो कैसे ग्रो कर सकते हैं, ऐसे कुछ रेमेडीज? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत सिंपल सिंपल, जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि लाल किताब की रेमेडीज बहुत सिंपल सिंपल होती है और करनी बहुत आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। जैसे
एग्जाम्पल के तौर पे अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना, जबान पर और नाभि पर लगाना, ये आपके किस काम आएगा? अगर आपके पैसा आ रहा है, बच नहीं पा रहा है, बेसिकली ये आपके सेकंड हाउस को फिल करता है, कुंडली का ये सेकंड हाउस है। ओके, ठीक है, तो सेकंड हाउस को फिल करता है, और जब सेकंड हाउस फिल होता है तो जमा धन, मैंने जैसे आपको बताया दूसरा अगर जमा धन होता है तो दूसरा अगर खाली होगा तब इंसान के पास पैसा बचेगा नहीं। ओके, तो यहाँ पर इसको जमा धन कहते हैं। इसी में एक चीज और है लाल किताब में कि ग्रहों को मन चाही जगह पर पहुंचाएं। अच्छा, अपने हिसाब से? अपने हिसाब से, तो वो प्लेसमेंट कुंडली के योग किस तरह से कौन से ग्रह को कहां पहुंचा कर हम अपनी कुंडली को अच्छा कर सकते हैं, ये भी लाल किताब करती है। ओके, अब लाल किताब इसके लिए क्या हमें, जैसे आप लाल किताब पे पिछले 15 साल से काम कर रहे हो और इतना एक्सपीरियंस है, तो इसके लिए हमें किसी पर्सन से ही पूछना पड़ेगा या हम लाल किताब जो लोग नहीं जानते वो खुद भी पढ़ के कर सकते हैं? देखो, वैसे तो लाल किताब मार्केट में 20 रुपए की भी मिलती है, 50 की भी मिलती है, 100 की भी मिलती है। पहचाने कैसे कौन सी असली है? नहीं, ये पहचानना जरूरी नहीं है, मिले 1500 की भी, मिले 2000 की भी, पहचानना मतलब नहीं करता। कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान करता है। बिल्कुल, तो इसलिए अपनी कुंडली को हमेशा प्रिडिक्ट करके उपाय करना ही आपके लिए फायदेमंद रहता है। ओके, इसमें क्योंकि देखो क्या होता है, कोई भी चीज आप हद से ज्यादा खा लेते हैं तो भी नुकसान देती है, और कोई भी चीज हद से कम लेते हैं तो भी नुकसान देती है, तो इसको बैलेंस करने का काम ये लाल किताब एस्ट्रोलॉजर का काम होता है, उसको बैलेंस करके वही रेमेडी, स्पेसिफिक रेमेडीज देना ही जो है कुंडली के इंसान हिसाब से देना चाहिए। ठीक है, परंतु मैं आपको फिर भी कुछ जनरल रेमेडीज बता देता हूं। जैसे जुपिटर को अच्छा करने के लिए चने की दाल मंदिर में दे, माता पिता की सेवा करें। और रोज देनी है चने की दाल? जी, 43 डेज तक तो मिनिमम। ठीक है, क्योंकि कोई भी उपाय 43 डेज तक करते हैं तो वो अपने प्लेस पर पहुंचता है। ओके, ठीक है, ठीक है। उसी तरह से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो चंद्रमा जो है पढ़ाई का कारक है। ओके, माँ के चरणों की सेवा करें, शिवलिंग पर जल दे, ठीक है, ओम नमः शिवाय का मंत्र करें। मंगल को अच्छा करने के लिए अपने भाइयों से बनाकर रखें। ओके, अपने दोस्तों से बनाकर रखें और हनुमान जी की पूजा करें, साथ में जो है गुड़ वाली रेवड़ी या पतासे। देखो दो तरह से मंगल है, एक मंगल बद बोलते हैं हम, एक मंगल नेक बोलते हैं। अब जिसकी भी कुंडली में मंगल बद है वो रेवड़ियां जल प्रवाह करे, ठीक है, और जिसकी कुंडली में मंगल नेक है वो पतासे जल प्रवाह करे या मंदिर में दे। ठीक, कोई भी मंदिर में अपने घर के आसपास? जी, ठीक है। और आपका करियर या किसी को थोड़ा पैसा, करियर को अच्छा और पैसा अच्छा करना है तो कहते हैं कि 1-7-8-11 कहते क्या मतलब, कहने का मतलब आप कहेंगे 1-7-8-11 क्या, आपका हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 8, ओके, हाउस नंबर 7 और 11, इन चारों घरों में ग्रह होना तो इंसान के पास पैसे की कभी नहीं आती। तो एक क्या है, कुंडली का राजा है, 7 क्या है, कुंडली का वजीर है, 8 क्या है, कुंडली की टांगे हैं, सॉरी कुंडली की आंखें हैं, और 11 क्या है, कुंडली की टांगे हैं। इन चारों घरों को पूरा करते हैं तो बहुत अच्छे योग बनते हैं, इनको पूरा कराने में हम आप लोगों की मदद करते हैं, उसके लिए कंसल्टेंसी लेना बहुत जरूरी है। कहते हैं अपना मार्गदर्शन लेना बहुत जरूरी है। दूसरा, 2, 9, 4 और 10, 2, 9, 4 और 10, 2 में ग्रह हों, 4 में ग्रह हों, 9 में ग्रह हों, 10 में ग्रह हों, इन चारों में घरों में ग्रह हों तो इंसान के पास पैसे की कमी नहीं रहती। क्यों? कहते हैं 9 से धुआं उठता है, 10 में बादल बनते हैं, 2 के पहाड़ से जाकर टकराते हैं और 4 में वर्षा होती है। ठीक है, तो 9 क्या है, हमारा घर का सेंटर ऑफ द हाउस ब्रह्मस्थान, हमारी नाभि 9वां घर है। तो मैंने आपको पहले बताया नाभि पर, जबान पर और केसर
माथे पर केसर का तिलक लगाए, ठीक है। तो वो इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये काफी चीजों में मदद करता है। और एक उपाय मैं जो आप लोगों को देना चाहूंगा, जो मैं कहीं और भी मैंने पॉडकास्ट में दिया था, लोगों को बहुत शिकायत आई वो पूरा सुन नहीं पाए, तो मैं उसको फिर से आप लोगों के माध्यम से देना चाहूंगा। बिल्कुल। एक तांबे का लोटा लेना है, ठीक है। तांबे के लोटे पर अच्छे से चंदन का लेप लगाना है और आधा उसमें चावल डालने हैं और आधे उसके अंदर चने की दाल डालनी है। वो बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार 43 बृहस्पतिवार मंदिर में देना है, मंदिर में रख के आ जाना है या पुजारी जी को दे देना है, ठीक है। पर करना 43 वीक्स रेगुलर है, एवरी थर्सडे, इसके अंदर ब्रेक नहीं आना चाहिए। मैं गारंटी दे सकता हूं इंसान जिंदगी में पीछे मुड़कर देख जाए तो। और ये रेमेडी किस चीज के लिए काम करती है सर? ऑल ओवर जनरल रेमेडी है, कोई भी कर सकता है। और जो आपने तांबे का जो लोटा बताया, इसका कोई साइज होना जरूरी है या कोई सी भी साइज? कोई भी साइज का हो, कोई भी साइज। आधे में चावल, आधे में चने की दाल और बाहर से चंदन लेप लगाकर हर वीरवार को मंदिर में। और कुछ उपाय मैं आपको ग्रहों के अनुसार बताता हूँ, कुछ परहेज बताता हूँ, उपाय नहीं बताता हूँ परहेज, क्योंकि मैं एक लाइन और बोलता हूँ, कहते क्या लाल किताब में परहेज ही परहेज है, कर लेगा तो तेरे काम आएंगे, नहीं तो ये ज्योतिष तुझसे उपाय के नाम पे बहुत मोटी रकम कमाएंगे। तो परहेज क्या है अगर आप सुने तो, जैसे किसी का जुपिटर 7th हाउस में, तो उसके लिए मतलब बिल्कुल सख्त मनाई है, वो कभी दीपक ना जलाए। ओके, ठीक है। जितना वो दीपक जलाएगा उतना जुपिटर उसका नीच की अवस्था का होगा। किसी का जुपिटर 10th हाउस में है, ऐसा इंसान किसी को तरस खाकर खाना ना खिलाए, उसको प्रैक्टिकल रहना बहुत जरूरी है, ठीक है जी, ठीक है। किसी का राहु 7th हाउस में है तो वो अपने चरित्र को संभाल कर रखे, बहुत जरूरी है। किसी का सूर्य 2nd हाउस में है तो ऐसा इंसान जर्जरू जमीन के झगड़ों में ना पड़े, घर में देसी घी का दीपक ना जलाए, ठीक है, ठीक है जी। और किसी का बुध 3rd हाउस में है तो ऐसा इंसान हरे मूंग की दाल रात को भिगो कर रखे, सुबह पक्षियों को खिलाए, पर शर्त यह है जो हरे मूंग की दाल भिगो के रखनी है वो कांच के बर्तन में या बाउल में भर कर रखे तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह की छोटी छोटी रेमेडीज आपके जीवन में बहुत बदलाव ला सकती है, इतना मैं आपको दावा कर सकता हूं। तो जो हमारे दुनिया में या इंडिया की बात करूं, इतने रिचेस्ट पर्सन है, आपको आप मानते हो कि ये लोग भी इन सब चीजों को फॉलो करते होंगे? डेफिनेटली करते हैं, चाहे अंबानी हो अडानी हो, डेफिनेटली करते हैं। मैं आपको इतना कह सकता हूं, रेमेडीज हमेशा काम करती हैं। फर्क इतना है कि अमीर लोग अमीर तरह की रेमेडीज करते हैं और जो हमारे दुनिया की जो मेन जनसंख्या है, जो आज के टाइम काम से भी दिक्कत में है, तो उनको छोटी रेमेडीज भी काम करती है। पर काम सबके लिए करेगी, काम सबके लिए काम करती है। करोड़ों रुपए की रेमेडी भी वही काम करती है, ये छोटी छोटी रेमेडीज भी वही काम करती है। आप देखो, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मेरे हाथ में कोई स्टोन दिख रहा है आपको? सिर्फ एक स्टोन के अलावा। ये कौन सा स्टोन है? ये ब्लैक एंड व्हाइट सुलेमानी है। ओके, ये क्या काम करता है? ये भी जनरल है, वैसे कोई भी डाल सकता है, पर फिर भी कुंडली से प्रिडिक्ट करा के डाले तो ज्यादा अच्छा है। क्या ये तो सबसे पहले 4 ग्रहों को अच्छा करता है, आपके बुध शुक्र शनि और राहु। ओके, ठीक है जी। दूसरा, किसी तरह का भी कोई ब्लैक मैजिक, जादू टोना टोटका, करा कराया, कुछ भी हो, आपके ऊपर असर नहीं करेगा। और ये जो ब्लैक मैजिक जादू टोना टोटका होता है, इसकी भी रेमेडीज हैं कि कैसे हम इसको? 100% रेमेडीज हैं। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था सर, मैं एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये सब रूरल सिटीज में क्यों है? मतलब गांव साइड में इतना मानते, अर्बन सिटीज में नहीं है? यहाँ किसी के बारे में बात, मतलब बात करो ब्लैक, हम तो मानते ही नहीं, सच में होता है ये ब्लैक मैजिक? देखो, मैं बिल्कुल होता है, मैं ये नहीं कहता ब्लैक मैजिक नहीं होता। और ब्लैक मैजिक में सबसे ज्यादा असर करती है नजर, नजर, जैसे हमारे घर नजर लग गई, ठीक है, नजर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब हर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक ही हो रहा है, बट आज के इंटरनेट के जमाने ने हर किसी को ब्लैक मैजिक बना दिया है। इतना ब्लैक मैजिक है नहीं,
जितना उसको ब्लैक मैजिक बना दिया है। और ये किस टाइप के इंसानों पे हो सकता है? जिनका चंद्र कमजोर होता है। जिनका चंद्र कमजोर होता है, और जो ये ब्लैक मैजिक लोग करते हैं, अगर आपको उतना आइडिया है तो किसी चीज को लेकर कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको बोला चंद्र आपके जो है मन का कारक है, ठीक है। चंद्र जिसका खराब होगा, ठीक है, सबसे अच्छा रिसर्चर भी वही होगा, ओके, सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक भी उस पर होगा, सबसे ज्यादा वहमी इंसान भी वो होगा, ठीक है। तो चंद्र जो है अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बनता है, चंद्र खराब वाला, ओके, ठीक है। तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि चंद्र मन का कारक है, चंद्र को मजबूत कर लेंगे तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर नहीं होता है। और इसको कैसे करें? अब चंद्र को मजबूत करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने आपको बोला शिवलिंग पे जल दे, ठीक है, सबसे अच्छा उपाय है माँ के चरणों की सेवा करें, ठीक है ना। माँ के चरणों की सेवा होगी तो आपका चंद्र कभी भी आपको दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि माँ चाहे कितनी भी कमजोर क्यों ना हो अपने बच्चे को जरूर संभाल लेती, किसी और चीज को संभाल ले या नहीं संभाल ले। बिल्कुल। और जो सर ये ब्लैक मैजिक होता है जिन पे भी करा जाता है, तो क्या ये ब्लैक मैजिक इंसान खुद मानने लग जाता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, इस वजह से भी स्ट्रांग होता है? खुद उसको फील होने लग जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, पर मेट्रो सिटीज में भी होता है, देशों में भी होता है और विदेशों में भी होता है। यहाँ पर जिन भूत प्रेत का नाम दे दिया जाता है वहां पर यूएफओ का नाम दिया जाता है, होता हर जगह है, पर इतना नहीं होता जितना उसको आज के टाइम में फैलाया जा रहा है। आपने कभी इल्यूमिनाटी का नाम सुना है? यस। वो मतलब अलग ही कुछ कैटेगरी बाहर की, मतलब उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और जो भी उसके साथ जुड़ता है वो जो उसके बदले वो कुछ लेता है, वो किसी ने अभी तक रिवील नहीं करा, पर उसके बदले आपको जो चाहिए वो मिलेगा। लाइक ब्लैक मैजिक से तो काउंट नहीं करेंगे, बट अगर आपने सुना है वो एक अलग दुनिया है। देखो मैं उस चीज को मना नहीं करता हूँ कि जिन भूत प्रेत नहीं है, बिल्कुल है, और ये नहीं है कि भूत प्रेत क्या है, पहले तो आप ये समझो भूत प्रेत है क्या। हाँ। समझो, सबसे पहले समझने के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस तरह से हम जन्म लेते हैं उसी तरह से भूत प्रेत भी जन्म लेते हैं। ये हमारे ही मरने के बाद की चीजें हैं या अलग से? वो आत्मा है, ठीक है, वो हमारे जो आत्मा परमात्मा मिलन है वो आत्मा है। भूत प्रेत क्या है? जैसे अकाल मृत्यु, ये भूत प्रेत की योनि में चले जाते हैं, या आपको मैं बता दूं जैसे हम जन्म लेते हैं वैसे ही ये ब्रह्म राक्षस भूत जिन प्रेत ये जन्म लेते हैं। हुआ क्या था कि जब परमात्मा इस सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने किसको? फरिश्तों को जन्म दिया था। ओके। फरिश्ते कौन? देवी देवता, ठीक है। इन फरिश्तों को अपनी पूजा के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था, तो इन्होंने नीली आंच से जिन्नों को जन्म दिया। जिन भगवान की पूजा करते थे, ये राक्षस प्रवृत्ति के नहीं थे, पर इनको लगा कि हम भगवान के बहुत ज्यादा प्यारे हो गए हैं तो ये राक्षसी प्रवृत्ति पे उतर गए। तब परेशान होकर सभी देवी देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश को अरदास की कि कुछ ऐसा जन्म करे, सृष्टि का निर्माण करे जिससे कि लोगों का भला हो। तब सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ था, तब इंसान पैदा हुए, वो पंच तत्व से पैदा हुए, ठीक है। तो ये जितने भी हैं ब्रह्म राक्षस हैं, जिन भूत प्रेत हैं, ये सब कैटेगरी हैं। पर जो अकाल मृत्यु मरता है जिसको हम पितर भी बोलते हैं, ठीक है, हमारे पितर होते हैं, और जो ये भूत प्रेत हैं ये अलग चीज है, पितर और आत्मा अलग चीज है। ऐसा कुछ किस्सा कुछ होगा जो आप कभी आपको लगा हो कि सुना हो या आपने ये देखा हो कुछ? किस तरह का? यही अगर ऐसा जी मतलब अपने पॉडकास्ट पे आप सारे राज खुलवाना चाहेंगे? हाँ, थोड़ा अगर जी, आपको मैं बता दूं कि जब मैं एस्ट्रोलॉजी में नहीं था तो शुरुआत में मैंने जो है सबसे पहले जिन्नों पे रिसर्च किया था, ठीक है, क्योंकि खुरापाती दिमाग है, क्योंकि इसके बहुत तरीके हैं, इसको इस्लामिक तरीके से और हिंदू तरीके से दोनों तरीके से कायम करने की कोशिश की थी। तो उस बीच में मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए थे, क्योंकि ना इनका सबसे पहले कभी भी किसी चीज को काबू करना हो ना तो सबसे पहले ये आपकी कमजोर चीज पे अटैक करते हैं। कमजोर चीज क्या होता है? फैमिली, ठीक है, जो सबसे प्यारे लोग होते हैं।
तो जब मैं इन चीजों को सीख रहा था तो उस टाइम पे अटैक मैंने बहुत देखे हैं। मैं पॉडकास्ट के माध्यम से तो नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि एक्सपीरियंस अलग ही रहता है इन चीजों का, और उन एक्सपीरियंस को बताने लग जाऊंगा तो लोग ना उस अंधविश्वास के अंदर घुसते जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, होते नहीं है, होते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस किए हुए हैं। पर उस चीज को ना तो मैं लोगों को बताना चाहूंगा क्योंकि लोग फिर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। अच्छा, बाहर कैसे निकले आप, मतलब इन सब चीजों से? बाहर नहीं निकला, कौन कहता बाहर नहीं निकला? अच्छा। निकला, उसको मैंने पढ़ाया, फिर उसको चीज को कहते ना जैसे इंसान गुस्से को पालना सीखता है, ठीक है, वैसे ही इनको भी पालना सीखा, ठीक है। दूसरी चीज, इस चीज से निकलने के बाद जब मैंने लाल किताब को पढ़ा, जब लाल किताब में मैं आपको इतना कुछ बता पा रहा हूं, उसमें भी इनके बारे में जिक्र किया गया है। देखो, हर चीज के बारे में जिक्र है, जिक्र कहां नहीं है। आप कुरान पढ़ने चले जाएं, कुरान में भी इनके बारे में जिक्र है, ठीक है। आप कोई भी ग्रंथ पढ़े, ऐसा नहीं है आत्मा परमात्मा है, भूत प्रेत नाम आया तो भूत भी है, इंसान भी है, भगवान भी है, सब कुछ है, है सब कुछ। हमारी दिन की दुनिया है, उनकी रात की दुनिया है, ठीक है। मैं इस चीज को मना नहीं करूंगा, डिनाई नहीं करूंगा, पर इस अंधविश्वास में ना पढ़ के, कहते ना बीमारी तो हर कोई पकड़ लेता है, बीमारी का इलाज क्या है, वो जरूरी है, वो जरूरी है, समझ रहे हैं? तो बीमारी का इलाज करके दे दो, जाओ तुम ठीक होगे, वो दुआएं देगा। तो इस पे काम करता हूं सर। एक चीज और थी, मिथ है जहां तक मुझे लगता है, पर मैं आपसे कंफर्म करना चाहूंगा, लोग क्यों कहते हैं कि लाल किताब रावण ने लिखी थी? जब मैंने आपको एक बात बोली शुरू में ही कि 1939 में इसका जन्म हुआ, पंडित रूपचंद जी जोशी ने किया, नो डाउट रावण जी एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर अपने टाइम पे रहे हैं, और उन्होंने ही 9 के 9 ग्रहों को अपने काबू में किया है, पर उन्होंने लाल किताब नहीं, उन्होंने रावण संहिता लिखी। ओके, तो लाल किताब बिल्कुल आप जो बता रहे हो वो सबसे अलग है, रावण संहिता एक अलग है, रावण संहिता में भी उपाय मिलते हैं। ओके, ठीक है, किस तरह से ग्रहों को काबू किया जाए, तो कहीं ना कहीं उसका मिश्रण है लाल किताब में। मैंने क्या बोला, कॉम्बो है ये सारी चीजों का, चाहे वो वैदिक है, नाड़ी है, सबकी एक समरी है, उसका एक समरी है, तो उसके कुछ इसके अंदर पॉइंट है, पर लिखी रावण ने नहीं। ठीक है, एक चीज और सर, अगर हम बाय चांस गलती से कुछ गलत कर्मों में फंस जाते हैं, उनसे बाहर निकलने के लिए क्या करें? जो मुझे लगता है बहुत लोगों की इंटेंशन नहीं होती, तो आपने बहुत सारी रेमेडीज बताई, बट हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ काम कहीं ना कहीं, मैं वही बता रहा हूँ, कुंडली में पितर दोष जिसको हम मानते हैं, बाकी शनि की साढ़े सती, मांगलिक दोष और काल सब दोष हम नहीं मानते हैं, कहीं ना कहीं पितर दोष उसकी कुंडली में लगा होता है और उसके रीजन बनते हैं। पितर दोष वो पितर नहीं कि पितर आते हैं उसमें, ठीक है, जो मर चुके हैं या बुजुर्गों द्वारा किए गए कुछ गलत काम जिसकी वजह से पितर दोष लगता है। ओके, उसका फल 3 पीढ़ियों तक जाता है, उसके बाद धीरे धीरे कम हो सकता है। 3 पीढ़ियों में आगे भी वही चीज हो रही है, तो अगली 3 पीढ़ी, फिर अगली 3 पीढ़ी, फिर चलता रहेगा, जहां पर स्टॉप होगा उसकी 3री पीढ़ी के बाद। जैसे मेरे दादा पितर दोष का उपाय कर रहे हैं और आगे हम वो कर्म गलत नहीं कर रहे हैं, तो मेरे बेटे की कुंडली में पितर दोष नहीं आएगा। ओके, तो इस तरह से हमें पता लगता है कि आगे कुंडली में पितर दोष चल रहा है या नहीं चल रहा। अब पितर दोष लगने के रीजन क्या होता है? बुजुर्गों द्वारा कुल पुरोहित को बदलना, कभी किसी मंदिर को नष्ट करवाना, या घर में पीपल के पेड़ को खुद कटवा देना, या पीपल के पेड़ को उजाड़ना, ये पितर दोष की निशानी है, कारण है। और पितर दोष को पता कैसे लगेगा पितर दोष है? घर में ग्रह क्लेश बने रहना, उम्र से पहले बालों में सफेदी आ जाना, घर से बाहर निकलते ही पीपल का पेड़ नजर आना, आपके छत पे आपके घर में पीपल के पेड़ की शाखाएं निकलना शुरू हो जाए, तो समझ लो कि आपके घर में पितर दोष है। फिर इसको ठीक करें। इसका सबसे अच्छा उपाय मैं आपके माध्यम से दे देता हूँ,
43 वीक्स मतलब 43 हफ्ते लगातार पीपल के पेड़ पर जल दें, उसमें काले तिल डाल के पानी के अंदर काले तिल डाल के 43 वीक्स रेगुलर देना। आप संडे के दिन पीपल के पेड़ को नहीं छुआ जाता। ओके, तो मतलब सोमवार से शनिवार, सुन लो, उस दिन नहीं छुआ जाता तो उस दिन हमें पीपल की छांव को जल देना है। तो पितर दोष का ये सबसे अच्छा उपाय है। मतलब देखो, मैंने आपके पूरे पॉडकास्ट में अभी तक ना किसी स्टोन की जिक्र किया है, ना ही मैंने कोई बड़ी पूजा पाठ का जिक्र किया है। इन छोटी छोटी रेमेडीज से हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, हर कोई कर सकता है, और अपनी रिश्तेदारी को अच्छा करके हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। लाल किताब मैंने आपको क्लियर बोला है, एस्ट्रोलॉजी कोई भी हो, लाल किताब हो, वैदिक हो, नाड़ी हो, वो आपके मार्गदर्शन का काम करती है। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने घुमाई और आज बोला था, जैसे मियां खां बंगाली 72 घंटे में सोतन से छुटकारा, रो, ये सब एस्ट्रोलॉजी नहीं करता है और ना ही हम इन लोगों में इन चीजों में विश्वास करते। सर, देश से बाहर जो इंडिया से बाहर लोग रहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज है, वो लोग इन सब में नहीं मानते, लेकिन वहां वो सब। अब एक चीज बताता हूँ, आप कहते हो नहीं मानते, आज के टाइम मेरे पास 70% क्लाइंट जो है वो इंटरनेशनल ही है, क्यों नहीं मानते? मतलब वहां भी अब बेसिकली जागरूक हो रहे हैं। क्या है, देखो, भारत हमेशा ही जो है वेद पुराणों से जुड़ा हुआ है। आप आज कोई भी दवाई ले लो, आयुर्वेदिक कहाँ का है? आयुर्वेद भारत का है। बिक कहां से रहा है? भारत से, विदेशों से। अच्छा, विदेशों से बिक रहा है। विदेशों से बिक रहा है, ठीक है, बट वो जो प्रोडक्ट है छोटे, वो लेते हैं से, बनता वहां से। ओके, ठीक है, कुछ भी चीज है। भारत सोने की चिड़िया कहा गया था ना, ऐसे ही नहीं कहा गया था, तो सचमुच भारत से ही निकल के बाहर गई है। यस, और इवन एक पुराणों में भी लिखा है कि जैसा आपने बताया, इतने हजारों सालों पहले ही ये ग्रह शास्त्रों को लोगों ने निकाला, बिल्कुल, बाद में नासा ने इन सब ने फाइंड आउट किया, जितने भी साइंस के दुनिया, लेकिन ये पहले से ही हमारे भारत के अंदर पुराणों पहले से, और फिर भी हम उन पर डिपेंडिंग है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूं, हर जगह माना जाता है, ऐसा कहीं नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी को नहीं माना जाता है। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी मानता है और छोटे छोटे से छोटा इंसान भी मानता है, एस्ट्रोलॉजी काम करती है। दिखाना एक अलग बात है कि हम नहीं मानते, बट कहीं ना कहीं उनको भी मालूम है कि ये एक साइंस है और ये काम करती है। ओके, तो सर अब ये पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले बस मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, कुछ भी चीज जो आप हमारे व्यूअर और लिसनर को बोलना चाहे। मैं यही कहना चाहूंगा कि आडंबर में ना घुसे, एस्ट्रोलॉजी भी अगर आप चाहते हैं और अपने मार्गदर्शन को चाहते हैं तो लॉजिकल पूछें। मैं अपने हर जो भी मेरे पास पीड़ित आते हैं या जो भी मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मैं कभी उनसे नहीं पूछता वो मेरे पास किस लिए आए हैं, मैं सिर्फ उनसे पूछता हूं उनकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस, उनका क्या नेचर है, उनका क्या स्वभाव है, किस लिए वो आए हैं और उसका हल क्या है, उसके बाद मैं कहता हूँ पूछो क्या पूछना है। इन सब चीजों से आप उनके लिए उनकी मदद करता हूँ। सबसे पहले आपको ये क्या है कि जब आप एस्ट्रोलॉजर को जाकर अपनी खुद ही कहानी सुना के बता दोगे और वो आपको आगे से उसी आपकी कहानी में से प्रिडिक्ट कर देगा, तो वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है। समझ गया, तो इसलिए बच के रहें जो भी फ्रॉड चलते हैं उन सबसे। बिल्कुल, आप समझदार हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आप हमारे पॉडकास्ट कुनाल शो पे आए, मुझे सच में आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत चीजें सीखी, और इसमें से कुछ चीजें डेफिनेटली जो मुझे लगता है कि शायद मेरे को अपने जीवन में करनी चाहिए वो डेफिनेटली मैं करूंगा, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस है लाल किताब को लेकर पिछले 15 सालों का, वो बहुत एक्सट्रीम है। मतलब बहुत शायद ही ऐसे बहुत कम बंदे होंगे जिनको लाल किताब के बारे में इतनी नॉलेज होगी, लेकिन मैं जब रिसर्च भी कर रहा था तो बहुत बंदे बहुत अफवाह भी फैलाते हैं इसको लेकर कि हम सिर्फ हम ही लाल किताब अच्छी करते हैं, हम ही तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो अच्छा कर रहा है उसको बोलने की नीड नहीं है। सच्चाई है, देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, और जो लोग मुझसे पढ़ भी रहे हैं, लगभग मेरे से इस टाइम भी लगभग 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं लाल किताब को। यस, ठीक है जी, और 1000 प्लस बच्चों को मैं तैयार कर चुका हूँ जो दूसरों की मदद कर रहे हैं, जो मदद कर रहे हैं। बिल्कुल,
सो आई होप आपको भी हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा एस्ट्रो हेमंत जी के साथ, जिन्होंने लाल किताब के ऊपर इतनी सारी चीजें बताई। तो अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे पॉडकास्ट चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए एक अच्छा पॉडकास्ट लेकर आए। सो मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में।